हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में। हमने प्रतिशत के पहले प्रतिशत का हमने एक वीडियो पहले बनाया है, उसमें हमने मेन मेन क्वेश्चन जो आते हैं छोटे क्वेश्चन वो देखे हैं। हम उसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट दो, और किस प्रकार के क्वेश्चन है वो प्रतिशत में और पूछे जाते हैं। तो गाइस सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पे। मैं यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर एक, और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि 400 विद्यार्थियों में से, आप क्वेश्चन को समझिएगा, 400 विद्यार्थियों में से 40% अंग्रेजी में, 40% अंग्रेजी में अनुतीर्ण, अंग्रेजी में अनुतीर्ण तथा 20% गणित में, 20% गणित में, 20% गणित में अनुतीर्ण होते हैं। यदि 15% विद्यार्थी यदि 15% विद्यार्थी ये विद्यार्थी में थी बढ़ाएगा विद्यार्थी दोनों में अनुतीर्ण हो जाते हैं, दोनों में अनुतीर्ण हो जाते हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल कितने विद्यार्थी अनुतीर्ण होंगे, कुल कितने विद्यार्थी अनुतीर्ण होंगे। अनुतीर्ण का मतलब होता है फेल, कुल कितने विद्यार्थी अनुतीर्ण होंगे। तो आप ये मत जोड़ देना कि 20 तो अंग्रेज 40 तो गणित अंग्रेजी में हो गए और 20 गणित में हो गए, और 15 ये 15% विद्यार्थी है ना, ये प्रतिशत का सवाल है, तो ये दोनों में अनुतीर्ण हो गए, इन दोनों में, तो अनुतीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। तो हमें पहले देखना है कि अनुतीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना रहा है। तो हमने पहले यहाँ पे, हम जैसे इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, अनुतीर्ण पूछा क्या है, अनुतीर्ण, अनुतीर्ण मान लो 40% अंग्रेजी में हो रहे हैं और प्लस 30% गणित में, और इन दोनों में 15% विद्यार्थी अनुतीर्ण हो रहे हैं, तो वो जो दोनों को मिलाकर के हो रहे हैं यानी इनकी काउंटिंग दो बार हो रही है, तो इनमें से 15 हमें घटा देंगे, 40 और 20 है, 40 और 20 ये यहां पे गाइजे ये 30 ही होगा, यहाँ पे 30 ले लिया है, 40 और 30 है और 15 हो रहा है, 15 दोनों में अनुतीर्ण हो रहे हैं, तो ये दो बार जुड़ गया ना, तो इस 15 को हमें घटा देते हैं, दोनों में से घटा देते हैं, दोनों में अनुतीर्ण हो जाते हैं, तो 40 और
40 और ये कितना होता है, 40 और 30 70 है, 70 में से 15 आ गए तो कितना कितने बचे भाई, 70 माइनस है 15 कितने बचे 55, ये 55 है ये प्रतिशत है, तो कुल 55 प्रतिशत विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और संख्या कितनी है टोटल, टोटल संख्या कितनी है 400, 400 का 55 प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं। तो 400 का 55 प्रतिशत कितना होता है हम निकाल सकते हैं, हमने प्रतिशत पहले निकाला है, 400 का मतलब गुणा 55 बटे 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 55 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 220, 220 विद्यार्थी, जो 220 विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण होंगे 400 में से। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 300 विद्यार्थियों की कक्षा में से 300 विद्यार्थियों के कक्षा में से 40 प्रतिशत अंग्रेजी में, 40 प्रतिशत अंग्रेजी, 300 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 प्रतिशत अंग्रेजी होवे, 30 प्रतिशत गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो बताओ कक्षा में, तो बताओ कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, तो कक्षा में अधिकतम कितने, अधिकतम कितने, अधिकतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, अधिकतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, तो गाइस हमें अधिकतम पूछा है तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि 2 का ही मान दे रखा है, 30 प्रतिशत विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, 40 प्रतिशत अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, अधिकतम की संख्या पूछी है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये वो उसमें और कुछ कहा नहीं है, टोटल 300 विद्यार्थियों की संख्या है, अनुत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, अनुत्तीर्ण कितने हैं, 40 एक हैं और 30 एक हैं, टोटल कितना हो गया 70 प्रतिशत है, टोटल कितना हो गया 70 प्रतिशत, संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, तो 300 है, 300 इंटू 70 बटे 100, 321 है, 210 है, 321 या 30 को 7 से गुणा करोगे तो 210 आएगा, 210 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे अधिकतम। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, इसी का उसके बाद में नेक्स्ट
टॉपिक लेके चलते हैं, इसी का एक तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। एक कक्षा में 600 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 600 विद्यार्थियों की कक्षा में से की कक्षा में से 30% गणित 30% गणित व 20% अंग्रेजी में 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, तो न्यूनतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, सॉरी वह तो न्यूनतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, न्यूनतम पूछा है गाइज। एक कक्षा में कितने 600 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% गणित में 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो बताओ न्यूनतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, न्यूनतम कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। 600 विद्यार्थियों की कक्षा है तो पहले यहां पे जोड़ लेते हैं अनुत्तीर्ण जोड़ लेते हैं, कितना आया, 30 तो एक हैं और 20 एक हैं, कितना हुआ 50, ये 50 छोड़िए, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम में इसमें संख्या कौन सी है, 20 है भाई, 20% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो इसमें से 20 घटा भी देंगे गाइज, जो कम वाली संख्या है वो घटा देंगे इसमें से 20, कितना बचा 30 और 20 50, 50 में से 20 गए तो बराबर कितना बचा 30, ये 30 न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम 30 विद्यार्थी हैं वो फेल हो सकते हैं न्यूनतम से न्यूनतम, क्योंकि तो 600 का टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 600 विद्यार्थी हैं टोटल, 600 × 30/100 एक ही चीक 2 चीक 12 3 चीक 18 18 यानी 18 और एक ही बिंदी लग गई तो कितना हो गया ये 180 विद्यार्थी, न्यूनतम की बात हो रही है यहां पे, न्यूनतम 180 विद्यार्थी ही फेल होंगे या अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि ये दे रखा है 30% गणित में और 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो न्यूनतम, तो यहां पे क्या है एक जो छोटी वैल्यू है ना वो हम घटाएंगे ताकि दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं वो, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो वो बात हो रही है इसमें अनुत्तीर्ण होंगे। गाइज एक आगे अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ प्रतिशत ज्ञात करना है, सिर्फ प्रतिशत ज्ञात करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो मैं लेके आया हूं आपके लिए, तो आप बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों को ज्ञात करने हैं, हमें यहाँ पे पूछा है प्रतिशत ज्ञात करना, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 120 घुमा के पूछा है क्वेश्चन को, 120 500 का
500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है आप निकालिए, आप निकालिए, उसके बाद में मेरे को तो निकालना ही है, आपको मिलान करना है। 120 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, तो आप में से ऐसे मत कर दीजिए 120 गुणा 500 बट्टा ऐसे, आपको करना क्या है, इसने घुमा के पूछा है कि 120 से 500 का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले लिखिए 500 का की जगह गुणा 120 से 500 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे लिखना है आपको 120 से 120 से यहां पे वैल्यू गाइज 120 500 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे लिखना है 120 बट्टे 500 इंटू 100, ये तो आ गया ऊपर, ये 500 इंटू 100, तो दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 120 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 बार जाएगा ना भाई, 100 में कितने बार चला गया 20 बार, और ऊपर 20 दे रखे हैं तो 4 बार और चला जाएगा, तो 24 प्रतिशत आंसर होगा 24%। इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया है कि 60 है, 60 है वो 1200 का कितना प्रतिशत है, 1200 का कितना प्रतिशत है कितना 60 है, 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 1200 60 बटा 1200 गुणा 100 कीजिएगा, और दो बिंदी से दो बिंदी काट दीजिएगा, और 12 में 60 का 60 में 12 का भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 12 कम 12 12 दून 24 12 3 36 12 चौका 48 12 पंजो 60 है, 5% प्रतिशत पूछा है, संख्या दे रखी है प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत है, तो हमें ऐसे निकालेंगे 120 500 का कितना प्रतिशत है, तो 120 ऊपर रखेंगे 500 इंटू 100, 120 बटा 500 गुना 100 24% है, 60 है, 60 बटा 1200 गुना 100 5%, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है सोल्व होते हैं। ओके गाइज, आगे हम 3-4 क्वेश्चन और लेके आते हैं इसी सीरीज के, आप बिल्कुल देखते रहिए, और आगे हम क्वेश्चन और लेके आते हैं। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी आगे गाइज कुछ सिंपल से क्वेश्चन है और हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो आपको करने जरूरी हैं। हमारा अगला दो हमने किए थे, हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एक विद्यार्थी 600 अंकों में से, मान लो आपका आईटीआई का ही है, 600 अंकों का पूर्णांक होता है, आपको प्रतिशत कैसे ज्ञात करने हैं। एक विद्यार्थी 600 अंकों में से 600 अंकों में से 220 अंक 220 अंक प्राप्त करता है, 220 अंक प्राप्त करता है, तो वह 20 अंकों से
तो वह 20 अंकों से अनुतीर्ण हो जाता है। तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए यानी एक विद्यार्थी 600 में से 220 अंक लेके आता है तो वो 20 प्रतिशत अंकों से अनुतीर्ण हो जाता है यानी 20 अंकों से फेल हो जाता है, उसके 20 अंक कम आए हैं। अगर 20 अंक और आ जाते तो वो अनुतीर्ण यानी पास हो जाता, उत्तीर्ण यानी पास हो जाता। तो इसमें बताया गया है तो बताइए बताओ बताइए उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण पास होने के लिए होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है आवश्यकता आवश्यकता होती है। ओके गाइज, मान लो हम पूर्णांक कैसे निकालते हैं, मान लो एक विद्यार्थी है उसके कितने अंक आ रहे हैं, 220 तो उसके आ रहे हैं और 20 अंक और आ जाते प्लस तो वो पास हो जाता, कितने में से 600 में से। प्रतिशत निकालना है तो इनटू 100 कितना आया 240 बटे 600 इनटू 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, ये कट गया, एक छीक दो छीक 12 तीन छीक 18 चार छीक 24 कितना आया 40%। तो विद्यार्थी है वो 40% अंकों से पास होगा, ठीक है ना। वहां पे पास होने का प्रतिशत कितना है 40, यानी 100 में से 40 अंक लेके आएगा तब वो पास होगा, 600 में से 240 अंक लेके आएगा तब वो पास होगा, 600 में से 240 और 100 में से 40 अंक लेके आएगा तब वो पास होगा। ओके गाइज, हमारा चौथा और अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज का। एक विद्यार्थी 500 में से 200 अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी 500 में से 200 अंक प्राप्त करता है तो 7 अंकों से अनुतीर्ण हो जाता है, तो 7 अंकों से अनुतीर्ण यानी फेल हो जाता है। बताइए उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत है, बताइए पास होने के लिए कितने प्रतिशत हैं, पास होने के लिए कितने प्रतिशत हैं, नंबर कितना लेके आ रहा है वो 500 में से 200, तो 7 अंकों से फेल होता है वो, तो ये क्या है टोटल 500 अंक हैं उसके कितने आ रहे हैं। अपन परसेंटेज निकालते हैं कि भी मेरे 200 आए, 200 बटा 500 इंटू 100 तो वो 7 अंकों से फेल होता है, 7 जोड़ दीजिए, हमें क्या निकालना है क्या है उत्तीर्णांक होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरी है, उत्तीर्णांक निकालना है तो उत्तीर्णांक कितना आएगा
भाई 200 लेके आ रहा है तो वो 7 अंकों से फेल हो जाता है, अगर दो 7 और लेके आता तो वो पास हो जाता। तो 200 प्लस 7 इंटू 100 प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे ये 200 प्लस 7 कितना हो गया, 207 बटे 500 इंटू 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई। अगर ये भाग देते हैं 207 के अंदर 5 का तो कितना आता है, 20 पंजो 100, ए पंजो पंजो दो पंजो दो, ए पंजो पंजो दो पंजो 10 3 5 15, 4 पंजो 20, 4 बार गया, फिर कितना बचा, 7 बिंदी लगा दी, 7 बचा ना, फिर 7 में 4 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, 1 बार गया, फिर पॉइंट है, फिर 2 बचा, भाई 7 में से 5 का 1 बार भाग दिया, शेष पल 2 बचा, 2 में आके 0 उतारा, 0 उतारा जो कितना हो गया, 20, 20 में 5 का भाग दिया, टूटे भाग का यहां बिंदी तो लगी जाएगी, पॉइंट तो लगी जाएगा, तो हमने लगाया पॉइंट है, और ये 20 20 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 चौके 20 है, तो 41 पॉइंट है 40 है या 4, और ये आ गया प्रतिशत है। ओके गाइज, तो हमारा ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 41 पॉइंट है 4% है उसका उत्तीर्णांक होगा, अगर उसके 7 नंबर और आते तो वो इतने नंबर से पास होता तो उसका उत्तीर्णांक ये हो जाता। ओके गाइज, आगे हम कुछ इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय 20,000 में से, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय 20,000 में से 10,000 रुपये, अब की बार सीधी बात हो रही है, 10,000 रुपये भोजन पर, 4,000 रुपये शिक्षा पर तथा 3,000 रुपये अन्य खर्चों पर तथा 3,000 रुपये अन्य खर्चों पर खर्च करता है, अन्य खर्चों पर खर्चे करता है, तो बताइए व्यक्ति कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की बचत करता है, मान प्रतिशत में बताना है। ओके गाइज, तो पहले इसका खर्चा लिख लेते हैं कि खर्चा कितना है, खर्चा इसका है 10,000 भोजन पर प्लस 4,000 रुपये शिक्षा पर प्लस 3,000 रुपये अन्य खर्चा। ओके, और इसकी बचत है कितना हो गया, ये टोटल 10 से 4 14 3 17,000 रुपये इसका खर्चा है, 20,000 में से बचत कितनी आएगी, तो 20,000 माइनस से 17,000 कितना बचा, 3,000, ये 3,000 रुपये बचत होगी, हमें इसका प्रतिशत में मान बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, बचत प्रतिशत ज्ञात करना है, बचत प्रतिशत, तो बचत कितनी हो रही थी 3,000 की, कमा कितना रहा है, आय कितनी है 20,000 इंटू 100, अरे 20,000 में से इंटू 100 ही आएगा, 20,000 में से कितने कम बचा रहा है, 3,000 ही बचा रहा है,
20,000 में से 3,000 ही बचा रहा है, तो प्रतिशत कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? इस दो शून्य से ये दो शून्य कट गए, इस दो शून्य से ये दो शून्य कट गए, आगे बचा क्या? 30/2 कितना आया? 15%। तो व्यक्ति बचत कितने कर रहा है? 15%। आपको ऑप्शन में मिलेगा 15%। तो आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में 15%, 25%, इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व करके 15% वाले ऑप्शन को सही करना है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स से यूं ही बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और गाइज प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक्स गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कीजिएगा और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल व्यक्ति की बचत 20,000 आय 20,000 है, उसमें से 10,000, 4,000, 3,000 रुपए विभिन्न रूपों में ये खर्च कर देता है। बचते हैं 3,000 रुपए, कमाता ये 20,000 है, बचते 3,000 हैं, तो कितने प्रतिशत बचा रहा है? 15%, और वो इस प्रकार से निकल जाएंगे। तो ओके गाइज, थैंक्स, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए। ओके गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।